तो इस समय मोबाइल कंपनियां सिर्फ एक ही फीचर को हाईलाइट करके मोबाइल को लॉन्च कर दे रही हैं, बाकी सारे फीचर्स पे ध्यान नहीं जाता है लोगों का और वो स्मार्टफोन बाई कर लेते हैं। वैसे ही आज एक स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज ये मोबाइल लॉन्च किया गया है। आज हम बात करेंगे वीवो Y50 के बारे में और आपको दिखाएंगे इसके पहले दर्शन कि किस तरीके का ये दिखने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.53 इंच की फुल HD डॉट नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। आपको बेजल्स भी साइड में थोड़े थोड़े हल्के हल्के दिख जाएंगे, यानी कि आपको 18,000 का ये स्मार्टफोन आता है और आपको पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये एक बेटर है, बढ़िया है, पंच होल डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन लगता है, लेकिन IPS पैनल है और ना ही आपको 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट या 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसमें क्या खास ऐसा है, इसके अंदर आपको खास मिलता है एक हाईलाइट फीचर जो कि हर एक वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। कहीं ना कुछ ना कुछ दिखाते हैं, कहीं कि इसमें लिखा होगा 5 कैमरे वाला स्मार्टफोन, कहीं लिखा होगा इसके अंदर आपको मिलेगा 8 GB वाला स्मार्टफोन आपको मिलेगा 17,000 रुपये में। कुछ इस प्रकार से हाईलाइट किया जाता है हर एक खबर को, आपको मिलता है वीडियोज़ के अंदर भी मतलब कि अलग अलग तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं, अलग तरीके के आपको भैया आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको मिलती है 8 GB की रैम, 128 GB का स्टोरेज, बस इस स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ यही हाईलाइट है और कुछ भी नहीं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। चार्जर के बारे में 10W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है, 18W की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, लेकिन आपको चार्जर जो है 10W का ही देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, कितना ज़्यादा बेस्ट होने वाला है परफॉर्मेंस में। तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 665 यानी 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है, जो कि 10-11,000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इससे भी बेटर प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 675, जो कि रेडमी का नोट 7 प्रो जो कि 10,000 रुपये का स्मार्टफोन आता है उसके अंदर भी दिया गया है। यानी प्रोसेसर कुछ दमदार नहीं है, अगर आप बढ़िया पबजी तगड़े से खेलते हैं तो इसके अंदर आप पबजी भी नहीं खेल पाएंगे। और इसके अगर हम 5 फीचर्स की बात करते हैं जैसे कि कैमरा, तो इसके अंदर आपको मिलता है 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बेटर काम करेगा जाहिर सी बात है। और उसके बाद जो इसका बैक कैमरा दिया हुआ है, क्वाड कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, 13 MP का इसका मेन कैमरा है, 8 MP का आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 MP का आपका डेप्थ सेंसर है और 2 MP का आपका माइक्रो लेंस है, जो कि बिल्कुल ही वेस्ट होते हैं किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। माइक्रो लेंस और ये डेप्थ सेंसर ये 2-2 MP के कोई काम के नहीं होते हैं एक्चुअल में, अगर जब तक ये 5 MP का आपका डेप्थ सेंसर या 5 MP का माइक्रो लेंस ना हो, क्योंकि उसकी जो फुटेज होती है वो इतनी बेस्ट नहीं आती है। उससे अच्छा ये है कि आप भैया थोड़ा सा मतलब फोटो दूर से खींच ले, उसके बाद उसे क्रॉप कर ले, माइक्रो लेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर मतलब कुछ इस प्रकार के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, और प्राइजिंग जैसे कि 8 GB 128 GB की आपको मिलती है 17,990 रुपये यानी 18,000 रुपये का। ये स्मार्टफोन आपको आयरिस ब्लू कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि भैया 10 जून को आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन और वीवो इंडिया की वेबसाइट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में ही आपको ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि ये वीवो के जो फ़ोन आते हैं या ओप्पो के स्मार्टफोन्स आते हैं वो आपको ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं। वहाँ पे क्यों इनके स्मार्टफोन सेल होते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो स्मार्टफोन खरीदने वाले आते हैं वो ये नहीं बताते हैं कि हमें मतलब कि इसके अंदर रैम इतना होना चाहिए, ये प्रोसेसर होना चाहिए। बहुत सारे स्मार्टफोन जो गांव के लोग होते हैं या थोड़े से कम जानकार लोग होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो दुकानदार क्या करता है वो पूछते हैं कि भैया 15,000 रुपये तक का कोई स्मार्टफोन आप दे दीजिए, तो उसमें से आपको वीवो का स्मार्टफोन या तो भैया सैमसंग का स्मार्टफोन या आपका ओप्पो का स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, रेडमी या रियलमी या वन प्लस ऐसा कोई, मतलब वन प्लस तो वैसे भी नहीं बहुत महंगा है, बाकी रेडमी या रियलमी का भी स्मार्टफोन आपको मार्केट के अंदर ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, और जिसके अंदर आपको बेस्ट कैमरा प्रोसेसर सब कुछ देखने को मिल जाता है। और वीवो के स्मार्टफोन कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं सिर्फ वो ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं इसी वजह से। तो अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदने जा रहे थे तो भैया इसे मत खरीदिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, और अगर आप पबजी खेलने वाले हैं तो बिल्कुल भी इसे सोचिए भी मत। तो लगता है आपको हमारी वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये पता चलेगा कि ये स्मार्टफोन
कितना बेहतर है और कितना अच्छा है। अगर आपको इस चैनल पे ऐसी सच्चाई से भरी वीडियोस देखने की आदत है या अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगली वीडियो जाने और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।